डिजिटल बैंकिंग यूनिट से बार बार बैंक जाने का झंझट होगा खत्म। जाने आम आदमी को कैसे मिलेगा फायदा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 DBUs डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लॉन्च कर दिया है। डीबीयूएस के शुरू होने से आप सेविंग अकाउंट खोलने, पासबुक प्रिंट करने, विभिन्न बैंक योजनाओं में निवेश करने और लोन के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। तो समझते हैं क्या है डीबीयू। डीबीयू एक डिजिटल बैंकिंग आउटलेट है। इसमें लोग सेविंग अकाउंट खोलने, अकाउंट बैलेंस चेक करने, पासबुक प्रिंट करने और पैसों को ट्रांसफर करने, एफडी में निवेश करना, लोन के लिए आवेदन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने, नामांकन, टैक्स और बिल का भुगतान जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य ग्राहकों को कम कीमत पर डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के इस मिशन में 11 सरकारी बैंक और 12 निजी बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक भाग ले रहे हैं और इन्हीं के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में 75 डिजिटल बैंक यूनिट्स को खोला गया है। चालू वित्त वर्ष के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 डीबीयू खोलने की घोषणा की गई थी। डीबीयू दो हिस्सों में डिवाइड होगा, जिसमें लोग एटीएम नगद जमा करने, पासबुक प्रिंट करने और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। वहीं दूसरे हिस्से में डिजिटल असिस्टेंट जोन होगा, जहां पर बैंक का एक प्रतिनिधि मौजूद होगा जो कि ग्राहकों को आने वाली समस्याओं का निदान करेगा और सभी सर्विस अप्लाई करने में मदद करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।